नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के सेशन में एमसीक्यू करेंगे योगा पर प्रैक्टिस सेट। चलिए चलते हैं आज की क्लास में, क्या कुछ खास होने वाला है। जिन बहनों ने भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला है प्राप्त तथ्यों के अनुमान के आधार पर पृथ्वी पर योग की शुरुआत कब से मानी जाती है। वैदिक काल से, महाकाव्य काल से, स्मृति काल से या सिंधु घाटी सभ्यता से। आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका जी, बताइए आंसर। आंसर होना चाहिए आपका ये मानी जाती है जी, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, ये है आपका आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, डी नंबर। अगला है, योग शब्द का उद्गम किस धातु से हुआ है। युग्म धातु, युजंती धातु, युज धातु या पठ धातु। आंसर बताइए जी। जिनका आंसर अगर आ रहा है युज धातु तो एकदम सही है आपका, एकदम सही है, युज धातु से हुआ है। अगला, योग समाधि है किसका कथन है। पतंजलि, आगम, भगवत गीता या फिर वेद व्यास। ये चार ऑप्शन है क्वेश्चन है। योग समाधि है किसका कथन है, पतंजलि, आगम, भगवत गीता या वेद व्यास। आंसर सही हो जाएगा आपका वेद व्यास। अगला है, शरीर के मूल रूप से निम्न में से कौन से तीन गुण होते हैं जिनका संतुलित रहना अनिवार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। बी नंबर, नेति, धोती, नौली। तीसरा, आंतरिक सफाई, बाहरी सफाई और स्वच्छता। तीसरा है, कफ, वात, पित्त। आंसर आपका हो जाएगा कफ, वात और पित्त। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा योग का तत्व या अंग नहीं है। यम, नियम, प्राणायाम या आष्टे। यम, नियम, प्राणायाम ये तीनों अंग हैं, लेकिन आष्टे ये नहीं होता। इसका अर्थ होता है, आष्टे का अर्थ होता है चोरी ना करना, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आष्टे डी। आष्टे योग के पहले अंग या तत्व के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ होता है झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, संतुष्टि या शुद्धता। आपका आंसर हो जाएगा चोरी ना करना, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता। ए पद्मासन, बी सिद्धासन, सी समासन, चौथा मकरासन। डी आंसर क्या है। जिनका आंसर अगर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ये ध्यानात्मक आसन नहीं है, मकरासन। प्राणायाम के अंतर्गत रेचक का अर्थ होता है श्वास लेना, श्वास बाहर निकालना, पूरा श्वास भर के उसे रोकना या श्वास अंदर रोकना। प्राणायाम के अंतर्गत रेचक का अर्थ क्या होता है, तो रेचक का अर्थ होता है डी नंबर आपका सही हो जाएगा। रेचक का अर्थ होता है श्वास बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मगन रहना ही ध्यान है, ये कथन किसका है। स्वामी विवेकानंद, वेद व्यास, पतंजलि या कठोपनिषद। आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मगन रहना ध्यान है, किसका कथन है। स्वामी विवेकानंद, वेद व्यास, पतंजलि या कठोपनिषद। आंसर आपका हो जाएगा पतंजलि, इसका आंसर हो जाएगा आपका पतंजलि, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा पतंजलि। ठीक, सी नंबर। अगला है, त्राटक क्रिया का संबंध निम्न में से किस अंग के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। श्वसन तथा श्वसन संस्थान और गले का शुद्धिकरण। बी बड़ी आंत का शुद्धिकरण। सी दृष्टि संबंधी समस्या या डी ग्रास नली के शुद्धिकरण के लिए। तो आपका त्राटक है ये हो जाएगा आपका श्वसन तंत्र तथा गले की शुद्धिकरण से संबंधित। अगला है, निम्न में से शरीर को मजबूत और सुडोल बनाने और लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ माना जाता है। पश्चिमोत्तानासन आसन, ताड़ासन, पद्मासन या नौकासन। तो लंबाई बढ़ाने की बात हो रही है तो मित्रों यहाँ पर ताड़ासन आपका सही आंसर होगा। अगला है, किस आसन का नाम गरुण शब्द पर रखा गया है। गोमुख आसन, गरुणासन, गोरक्षासन या पद्मासन। जैसा नाम से ही आपको विदित हो रहा है ये गरुणासन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिंता अवसाद से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी है। मत्स्यासन या सुखासन या ताड़ासन या नौकासन। ये किसके लिए, चिंता अवसाद से बचने के लिए। तो जैसा नाम से ही विदित हो रहा है सुखासन, ये चिंता अवसाद से बचने के लिए है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कहलाता है। प्राणायाम, समाधि, प्रत्याहार या ध्यान। आपका आंसर हो जाएगा प्रत्याहार। आशा उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपका एक प्यारा सा लाइक ज़रूर बन जाए और कमेंट ज़रूर करें। आपको और वीडियो चाहिए तो मैं और टॉपिक पर भी बना दूंगा। आप
बताइए मुझे, क्योंकि आप लोगों की कमेंट ही हमारे प्रोत्साहन होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।